हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 41 ज्योग्राफी की है। इसमें है लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है उसकी लाइफ लाइन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम आज हमारी वर्कशीट में है एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में है। तो हम देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। एयर ट्रांसपोर्टेशन आर द फास्टेस्ट बट द एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, फास्ट है बट ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसका इंक्रीज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हो रहा है इन कंट्रीज विद अ लार्ज एंड वाइल्ड क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी लाइक इंडिया। जो हमारा इंडिया है उसमें क्या है, बहुत बड़ा है और हमारे यहाँ बहुत ही क्या है, वाइल्ड क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, जिसके कारण जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, कौन सा, एयर ट्रांसपोर्ट, उसकी बहुत ही ज़्यादा क्या है, वैल्यू है। एयर ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए कनेक्टिविटी विद द अदर कंट्री अलॉन्ग विद द इंटरनल ट्रांसपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम ट्रेवल एंड फ्रेट ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्राफिक इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्ट टू द कंट्री। क्या कह रहा है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, दूसरे देशों के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए और हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी दूसरे कंट्री से, इसके लिए भी क्या है, हमारा जो एयर सिस्टम है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द फैसिलिटी ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन इमरजेंसी। जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो क्या करता है, हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमरजेंसी के टाइम पे। वेयर इट वॉज द विड्रेवल ऑफ द सिविलियंस फ्रॉम द जॉर्डन और अदर गल्फ कंट्री ड्यूरिंग द गल्फ वॉर इन 1991। क्या हुआ था 1991 में, क्या हुआ था, वॉर हुआ था जिसमें सिविलियंस को जॉर्डन से लाया गया था वापस इंडिया में, उसको गल्फ वॉर कहा जाता है। और द रिटर्न ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोरोना एपिडेमिक। जो अभी जो क्या है, कोरोना एपिडेमिक है, तो वहाँ पे जो बहुत सारे देश है वहाँ पे इंडियंस फंसे हुए, तो उन्हें कैसे लाया जा रहा है, उन्हें इसी एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही हमारे इंडिया को इंडिया में वापस लाया जा रहा है। तो एयर ट्रैफिक प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल। तो इस तरीके से क्या है, जो हमारा एयर सिस्टम है वो बहुत क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एयर ट्रैफिक इज रिसोर्टेड टू अ रिमोट एरिया ऑफ द हिमालय ड्यू टू द लैक ऑफ रोड एंड द रेल फैसिलिटी। पोस्टल मटेरियल कैन ऑल्सो भी ट्रांसपोर्टेड क्विकली बाय द एयर ट्रैफिक। क्या कह रहा है कि जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है वो रिमोट एरिया, जैसे कि हिमालय है, वहाँ पर इजीली तो हम कोई जा नहीं सकता, तो उसमें क्या है, एयर ट्रैफिक के जरिए ही हम वहाँ से इजीली जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, रोड या रेलवे फैसिलिटी इजीली अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे जल्दी नहीं बन पाता, इसलिए एयर ट्रैफिक जो है वहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और पोस्टल मटेरियल्स भी क्या होते हैं, एयर से, ट्रैफिक से, एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज इन 1953 में क्या कर दिया, एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कर दिया गया। एयर इंडिया प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस। जो एयर इंडिया है वो क्या करती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर सर्विस को प्रोवाइड करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू द इंटीरियर एंड इनएसेसिबल पार्ट्स ऑफ द कंट्री सच एज द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। क्या कह रहा है, जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है वो हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड कराता है, कहाँ पर, ऐसे एरिया जहाँ पर इजीली कोई नहीं जा सकता, जैसे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यानी कि जहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है, रेलवे सिस्टम नहीं है, वहाँ पर अगर कोई भी हमारे सेना लोग है उसको पास सामान पहुँचाना है तो क्या करता है, वो एयरवेज के जरिए ही पहुँचाया जाता है, या फिर कोई पेंडेमिक हो गया, कोई बाढ़ आ गई, तो वहाँ पर क्या है, जो हेलीकॉप्टर है वही हेल्प करते हैं लोगों की। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया बिगेन ऑन 18 फरवरी 1901 व्हेन एयरलिफ्ट वॉज कैरिड बाय द इलाहाबाद टू नैनी। इट वॉज द वर्ल्ड फास्ट मेल सर्विस। क्या हुआ था, हमारे इंडिया में 18 फरवरी 1911 में एयर ट्रांसपोर्ट फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन कौन से इंडिया में, छत्रपति शिवाजी, सेंटा क्रूज मुंबई में, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पालम दिल्ली में, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट डमडम कलकत्ता में और मिनबंकम एयरपोर्ट चेन्नई में। ठीक है, आगे देखते हैं, राइट द नेम ऑफ अदर सम कंट्रीज एसोसिएटेड विद द एयर इंडिया। एयर इंडिया के साथ जुड़ी हुई कुछ कंट्रीज के नाम बताइए। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं क्या है, तो कंट्रीज एसोसिएटेड विद द एयर इंडिया कौन कौन सी, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम एंड द कैनेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, व्हाई इज द एयर ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एयर ट्रांसपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर द मार्क्ड विद अ बिग रिवर्स, डाइसेक्टेड रिलीफ, डेंस फॉरेस्ट एंड फ्रीक्वेंट फ्लड एंड द इंटरनेशनल बैरियर्स। विद द एब्सेंस ऑफ रेलवे एंड बेटर रोडवे, एयर ट्रैवल हैज मेड एक्सेस ईजियर। क्या कह रहा है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो हमारे इंडिया में जो है उसमें क्या है, बहुत सारी नदियाँ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है और वहाँ पे क्या है, एरिया भी थोड़ा उबड़ खाबड़ है, वहाँ पे क्या होता है, हमेशा फ्लड यानी कि बाढ़ आती रहती है, और वहाँ पे क्या है, बहुत सारे पहाड़ भी है,
और वहाँ पे रेलवे सिस्टम और जो रोडवेज है वो अच्छा नहीं है ज़्यादा, इस वजह से क्या होता है जो एयर सिस्टम है वहाँ पर इजी हम वहाँ पे आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि क्या है रोड बनाएंगे और रेलवे बनाएंगे बाढ़ आएगी और फिर क्या हो जाए फिर बह जाएगी और फिर से हमें दोबारा बनाना पड़ेगा, लेकिन पहाड़ भी है बहुत सारे वहाँ पे कैसे रेलवे बनेगी तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो एयर सिस्टम है वो इजीली वहाँ पर पहुँच सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है वो वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट ऐसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन वाज द एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज कब किया गया था एयर ट्रांसपोर्ट को, तो इसका आंसर क्या है एयर ट्रांसपोर्ट एज नेशनलाइज इन 1953। लास्ट क्वेश्चन विच ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल इन द एमरजेंसी सिचुएशन, एमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा ट्रांसपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो है एयर ट्रांसपोर्टेशन इज द मोस्ट सुटेबल इन एमरजेंसी सिचुएशन। तो जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट हो गया मोस्ट सुटेबल है किसमें, एमरजेंसी सिचुएशन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आई की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।